सिरोही के दशहरा मैदान में रविवार को ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है। इस महापंचायत में भारी तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट होंगे और समाज की एकता का प्रदर्शन करेंगे। महापंचायत की तैयारियों को शनिवार शाम तक अंतिम रूप दे दिया गया। समाज की ओर से काफी समय से महापंचायत को लेकर लोगों को पीले चावल बांटकर निमंत्रण दिया जा रहा था। महापंचायत के दौरान सामाजिक और राजनीतिक चिंतन मनन किया गया जाएगा और आगामी योजनाओं पर भी चर्चा होगी। साथ ही पंचायत का मुख्य उद्देश्य विप्र बोर्ड का गठन, परशुराम जयंती और निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की मांग को लेकर समाज को एक जाजम पर लाना होगा। जयपुर में ब्राह्मण महासभा पंचायत के बाद सिरोही में कल ब्राह्मण पंचायत आयोजित होगी, जिसको लेकर सर्व ब्राह्मण वर्ण के प्रतिनिधियों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर रही है। कल इसी मैदान में बहुत बड़ी पंचायत आयोजित होने जा रही है। हम बात करते हैं तैयारियों को लेकर यहाँ के आयोजकों से, दलपतपुर से, कि किस तरीके के आयोजन है, कौन कौन लोग शामिल होंगे। इस ब्राह्मण पंचायत में विप्र सेना द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सारे ब्राह्मण के जितने भी छोटे मोटे संस्थाएं बनी हुई है सबका सहयोग है और इसमें संतों का सानिध्य रहेगा। ज्यादा से ज्यादा संत पधारेंगे और उनका आशीर्वाद रहेगा और आसपास के सिरोही जिले के सारे गांवों से सभी ब्राह्मण बंधु पधारेंगे और हमारा यही उद्देश्य है कि कैसे भी करके इस बार ब्राह्मणों को एक करना है और जो भी निर्णय लेंगे वो मिलके एक ही निर्णय लेंगे। वो जो ब्राह्मण बंधु सबको एक निर्णय जमेगा वो निर्णय हम लेंगे। ब्राह्मण पंचायत को लेकर यहाँ के आयोजक योगेश दवे हैं, वो बताएंगे कि क्या उद्देश्य है विप्र समाज के इस आयोजन को लेकर। हम सब लोग इस कार्यक्रम को लेकर पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। हम सबका उद्देश्य है कि जयपुर में जो ब्राह्मण महापंचायत आउट हुई थी, उस ब्राह्मण महापंचायत में हमारे कोई उद्देश्य थे, उसी उद्देश्यों की पुनरावृत्ति करते हुए सिरोही की धरती से भी उद्देश्यों को पुनरावृत्ति करते हुए सिरोही के जनता के सामने रख रहे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने हमारे विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया है, हम केंद्र सरकार से भी इस पंचायत के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि आप भी ब्राह्मण समाज के हित को देखते हुए केंद्रीय कल्याण बोर्ड का गठन करें। दूसरी मांग ये है कि जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने परशुराम जयंती पे जो अवकाश घोषित किया है, हम केंद्र सरकार भी इस पंचायत के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार भी परशुराम जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे। तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष को लेकर कई आयोजन हुए हैं, तो इसमें सर्व ब्राह्मण वर्ण के लोग शामिल होंगे और चुनावी मुद्दे भी रहेंगे। विप्र बोर्ड का गठन केंद्र सरकार से मांग होगी। कुछ और जानकारी जानना चाह रहे हैं कि तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है और आरक्षण को लेकर भी मुद्दा उठाया जाएगा। बिल्कुल उठाया जाएगा। ब्राह्मणों की जो अनदेखी हो रही है, उस अनदेखी को ब्राह्मण कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। ब्राह्मण अपने हक के लिए लड़ता आया है और हमेशा लड़ेगा और ब्राह्मणों की बात किसी भी पार्टी को माननी ही पड़ेगी। और अभी तो ये सिरोही में सिर्फ एक झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। तो ब्राह्मण धार्मिक आयोजन को लेकर जिस तरीके से ब्राह्मण पंचायत आयोजित होगी, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व की मांग गोडवा क्षेत्र में पूर्ण जोर से उठाई जाएगी। शरद टाक A1 न्यूज सिरोही।